हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के बहुत ही स्वादिष्ट बिस्किट, और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामान में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। और आप इन्हें एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं डिब्बे में भर करके, ये खराब नहीं होंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख दिया है और एक टोरी गेहूं का आटा डाल देंगे, और ये वजन में 400 ग्राम है। और अब डाल देंगे आधा कप पाउडर चीनी, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर लिया है मैंने एक इन्नो का पाउच, इसे कट कर लेंगे। अब 1 टीस्पून इन्नो डाल देंगे। अब यहाँ पर जो इन्नो बची हुई है ये खराब ना हो, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक माचिस ले ली है और एक तीली चलाएंगे, और ये जो इन्नो वाला पाउच है ना, इसको आधे इंच से दूर से भी करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा, और इस तरह से बाद में चिपका देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें से बिल्कुल भी इन्नो नहीं निकलेगी, ये खराब नहीं होगी, नहीं तो ये जो खुली रहती है ना तो खराब हो जाती है रखी रखी। तो आप इसे गैस से भी गर्म करके चिपका सकते हैं। तो अब सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर 1/4 कटोरी घी डाल देंगे, और ये वजन में 100 ग्राम है। तो सभी चीज़ें एक ही कटोरी से नाप के डालनी है। जिस कटोरी से मैंने आटा डाला था उसी से मैंने घी डाला है। अब घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने घी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने गुनगुना दूध लिया है, और 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पहले डाला उसे मैंने मिक्स कर दिया है, और अब 1 चम्मच और डाल देंगे। तो इस आटे को जोड़ना ही है, सिर्फ लगाना नहीं है, अच्छे से इसे इस तरह करते जाएंगे तो आटा अच्छे से जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस कटोरी में से सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 चम्मच दूध डाला है। अब और दूध नहीं डालेंगे, इसे इस तरह से घुमाते जाएंगे तो ये अच्छे से जुड़ जाएगा। तो अभी डो को मैंने अच्छे से जोड़ लिया है, और ये इस तरह का थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना है। तो नान खटाई बनाते हैं ना, डो तो वैसे ही लगा है, लेकिन नान खटाई में घी ज़्यादा यूज होता है। जो हम बिस्किट बना रहे हैं इसमें घी ज़्यादा यूज नहीं हुआ है। अब इस डो को 10 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा सा टाइट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, और घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो इन बिस्किटों को हम कढ़ाई के अंदर बनाएंगे। आपको इस तरह की प्लेट लेनी है कि वो कढ़ाई के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर डो को रखे हुए फ्रिज में 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने बाहर निकाल लिया है। अब थोड़ा सा पोषण लेंगे और पेड़े के आकार के से बिस्किट बना करके तैयार करने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, और इस तरह से अच्छे से घुमा लेंगे। और किनारे से थोड़े बहुत फट रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक गोला मैंने बना करके तैयार कर लिया है, इसी तरह से सभी बना लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 10 गोले बना करके तैयार कर लिए हैं, और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखना है क्योंकि ये बाद में फूलेंगे। और अब यहाँ पर मैंने लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में कट किए हुए बादाम, इनके सभी के ऊपर डाल देंगे। आप सिंपल भी इन्हें रख सकते हैं। तो बादाम या पिस्ता ऊपर डालने से बिस्किट भी स्वादिष्ट बनेंगे और दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो सभी के ऊपर मैंने बादाम रख दिए हैं, और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो अभी यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है, और अंदर एक स्टैंड रख दिया है, आप कोई कटोरी रख सकते हैं। और अब ये प्लेट है ना, ये कढ़ाई के अंदर रख देंगे। अब 15 से 20 सेकेंड तक के लिए फ्लेम हाई कर देंगे ताकि कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाए। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैंने ढक्कन लगा दिया है, और अब फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और 20 से 25 मिनट तक के लिए इन्हें बेक होने देंगे। तो अब यहाँ पर इन्हें बेक होते हुए 25 मिनट हो चुके हैं, तो ये अच्छे से फूल चुके हैं, और साइड से किनारे से पता चल जाता है कि थोड़े थोड़े ब्राउन हो जाते हैं। तो बिस्किट अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है और ढक्कन लगा देंगे, और ये कढ़ाई गर्म है अभी, तो थोड़े बहुत और पक जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे नीचे से ये। तो अब यहाँ पर इन्हें रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें ठंडा होने देंगे, और ठंडे होने के बाद में बाहर निकाल लेंगे। तो बिस्किट को बेक होने में सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट लगे हैं। तो आपके बिस्किट नीचे से जल ना जाएं, इसके बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपके बिस्किट 25 मिनट पर भी नहीं पके हैं तो आप 2 या 3 मिनट तक के लिए और बेक कर सकते हैं। तो आपकी कढ़ाई पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी कढ़ाई मोटी है या फिर पतली, तो उसके हिसाब से आपके बिस्किट बेक होंगे, पकेंगे। और आपने बिस्किट छोटे बनाए हैं या फिर बड़े, उसके हिसाब से भी वो बेक होंगे। और अच्छे से ठंडा होने के बाद में इस तरह से चाकू से अलग कर देना है। तो आप देख सकते हैं बिस्किट एकदम से अच्छे से पक करके तैयार हुए हैं, और ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बन करके तैयार हुए हैं। तो आप बना के देखिएगा, आपके पूरे परिवार को ये बिस्किट की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, और आप इन्हें 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। अगर आपको ये बिस्किट की रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, जितना हो सके इसे शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।
फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।